खून को जो है मात्र दो भाग में ही बांटना उचित नहीं है हमारा जो है मुख्य रूप से हमारा जो है आर बी सी और डब्ल्यू सी बोला जाता है लेकिन इसके अलावा भी एक ब्लड प्लेट्सलेस होते हैं है ना जिसके बारे में आप लोग जो है जानते ही होंगे वो हमारा जो है खून को थक्का वगैरह जो है बनाने में भी काम आता है तो यहाँ पर हम लोग जो है आज जो देखेंगे हमारा जो है डब्ल्यू बी सी और आर बी सी दोनों में जो है अंतर देखेंगे तो देखिए भाई सबसे पहले जो है अगर ये एग्जाम में आता है तो जैसे तैसे लिख करके नहीं आइएगा नहीं तो नंबर नहीं देगा आपको क्या करना है कि आपको लिखना है कि हमारा जो है लाल रक्त को या इसको लाल रक्त के भी बोलते हैं है ना तो लाल रक्त को और श्वेत रक्त को में निम्नलिखित अंतर है लिखने के बाद एक तरफ जो है लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि अरबी लिख दीजिएगा एक तरफ जो है श्वेत रक्त कोशिकाएं या कनिकाएं है, है ना डब्ल्यू लिख दीजिएगा और बीच में जो है मध्यांतर की तरह जो है एक मध्य रेखा दे दीजिएगा तब जो है इसके बाद लिखना जो है प्रारंभ कीजिएगा तो देखिए इसके बाद जो हमारा जो है मुख्य रूप से हमारा जो है अंतर देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले तो इसका जो है कलर को लेकर के डिसीजन है कि हमारा जो है जो हमारा जो है लाल रक्त कोशिकाएं होती है इसका जो है कलर नाम से ही पता चला है कि लाल होगा है ना ये लाल कलर का होता है तो इसका मतलब जो है कलर से पहचान कर सकते हैं कि लाल रक्त कोश का जो है लाल रंग का होता है लेकिन यहाँ पे जो आपको देखा देखने को मिल रहा है कि हमारा जो है डब्ल्यू यानी कि भाई हमारा जो है श्वेत रक्त कोशकाए जो है उसका मतलब जो है कलर जो है नहीं होता है कलरलेस होता है रंगहीन होता है ऐसा देखिए भाई आप पानी जानते होंगे खास करके पानी का अगर कोई कलर पूछे तो उजला बताना उचित होता है नहीं होता है उजला तो भाई उजला को बोला जाता है पानी का तो कोई रंग ही नहीं होता

तो इसका लाल रंग होता है और इसका कोई रंग नहीं होता है ना ये एक पहला ध्यान रखना है अब जो है जीवन काल का है कि हमारा जो है कोशिकाएँ आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो है मृत कोशिका और जीवित कोशिका होता है तो हमारा जो है आर और डब्ल्यू दोनों जो है हमारा जो है जीवित कोशिका है है ना तो जीवित को का है तो भाई एक ना एक दिन तो मरना जरूरी है तो उसी तरह से हमारा जो है इसका जीवन काल की अगर बात किया जाए तो जीवन इसका लगभग जो है 120 दिन बताया गया है 120 दिन तक जो है ज़िंदा रहता है फिर उसके बाद जो है अपने आप जो है जा के पलिया जिसको जो है ब्लड का बैंक भी बोला जाता है पहले यहाँ में जा कर के जो है मतलब जो है ए रक्षित हो जाता है फिर उसके बाद जो है बाहर निकलता है ना तो यह हमारा जो है एक दिन तक जो हमारा जो है इसका जो है समय काल होता है जिस तरह से हम लोग जो है व्यक्ति जो है साठ पैंसठ पचहत्तर वर्ष जीते हैं है ना तो उसी तरह से हमारा जो है अगर आर का अगर देखा जाए यानी कि लाल रक्त के निकाओं को देखा जाए तो एक दिन जो है इसका जीवन काल होता है और इसका जीवन काल मात्र भाई साहब <laughs> बारह से पंद्रह दिन दस से बारह भी आप आप जो है लिख सकते हैं हालांकि बारह से पंद्रह दिन इसका जो है जीवन काल होता है इस पंद्रह दिन के अंदर जो है ये फिर से जो है निर्माण होना चालू होता है ना तो इसका जो है जीवन काल उतना ज़्यादा नहीं है तो ये आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा महंगा कौन होगा डब्ल्यू होगा है ना क्योंकि ए तो 120 दिन तक रहेगा तो उतना दिन तक जुगाड़ हो जाएगा लेकिन 12 दिन में ख़त्म होने वाला का जुगाड़ कम होता है ना तो ए हमारा समझिएगा कि ए जो है लगभग 120 दिन तक चलता है और ए हमारा जो है 12 से 15 दिन तक सिर्फ चलता है ना तो समझ रहे होंगे आपको ए बहुत अच्छा ढंग से देखिए ए जो हमारा जो है आर बी ए हमारा जो है श्वसन गैस हो यानी कि भाई हम लोग जो ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं हमारा जो है नाक से तो सब हवा जाता है लेकिन फिल्टर करके सिर्फ जो है ऑक्सीजन को हम लोग जो है लेते हैं है ना तो ए जो हमारा जो है श्वसन गैस हो जो हम लोग सांस लेते हैं उसी गैस का जो है सिर्फ जो है अरदान प्रदान करता है कौन करता है आर है ना आर बी का काम क्या है श्वसन गैस को जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है ना जैसे कि हमारा जो है सांस लिए फेफड़ा में गया उससे जो है हमारा जो है पूरा शरीर तक जो है पहुंचाने का काम ग्लूकोज़ वगैरह का निर्माण जो है श्वसन से ही होता है आपको पता होगा तो श्वसन गैस का जो परिवहन अगर ढोने का काम करे तो एक कौन करता है आर यानी कि आर गाड़ी किसके लिए है श्वसन गैसों को ढोने के लिए है ना अब हमारा जो है ए हमारा डब्ल्यू बी सी के बात करें श्वेत रक्त कोशिकाएं की बात करें तो ए जो है एक तरह से जो है प्रतिरक्षा अच्छा मतलब करता है प्रतिरक्षा अच्छा कहने का मतलब हुआ इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है ना जैसे कोरोना काल मतलब जब चल रहा था तो कोरोना काल में क्या था कि लोग का जो है इम्यूनिटी ही घट गया था ना तो ये जो डब्लू बी सी होता है यही मार जो है खा जाता है तब जो है इम्यूनिटी घट जाता है जिसके कारण मधुमेह वगैरह जो है बहुत सारा रोग होता है तो ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसका निर्माण करता है यानी कि रोग दुख जो है नहीं होने का मतलब जो है कारण है कि हमारा जो है डब्लू बी सी जो है मजबूत होता है इसीलिए जो है कहा जाता है कि माँ का गाढ़ा पिला दूध जो है बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए क्योंकि उससे जो हमारा जो है डब्लू सी का जो है बेस्ट मतलब जो है स्रोत माना जाता है मतलब मेन रूप से जो है डब्ल्यू मिलता है और उसमें जो है हिस्ट पुष्ट है ना तो हमारा जो है क्या करता है ए सांस के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है और ए रोग ए, ए जो है हमारा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए या निर्माण करने के लिए हमारा जो है उपयुक्त होता है ना तो समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे थे फिर अगर बात किया जाए कि एक लीटर में हमारा जो है कितना हमारा जो है सेल होता है, है ना सिर कुछ का है भाई एक तो डब्ल्यू बी सी देख रहे हैं तो हमारा कुछ का है तो भाई एक लीटर अगर हम लोग खून ले लें तो कितना खून होगा है ना <laughs> तो एक लीटर अगर खून लेंगे तो उसमें हमारा जो है पाँच से साढ़े पाँच मिलियन है ना पाँच मिलियन का आप समझ रहे होंगे पचास लाख पचपन लाख है ना ये हो गया तो पचास से पचपन लाख के मिलियन हमारा जो है इतना जो हमारा होता है पचास से पचपन लाख इतना सेल यानि कि इतना कुछ हमारा कितना में होगा एक लीटर खून में है ना यानी कि एक लाख लीटर जो है रक्त को अगर ब्लड को लिया जाएगा तो एक लीटर ब्लड में हमारा जो है कितना कुछ काय मिलेंगे पाँच से साढ़े पाँच मिलियन मिलेंगे कौन में आर में यानी लाल रक्त कोशिका को अगर लिया जाए आर को लिया जाए एक लीटर तो हमारा उसमें जो है पाँच से साढ़े मिलियन तक हमारा जो है कुछकाएँ दिखेंगे है ना लेकिन इसमें जो है हमारा जो है सिर्फ जो है पाँच से छः हज़ार ही दिखता है है ना ये जो हमारा डब्ल्यू बी सी को अगर एक लीटर अगर ले लीजिएगा ये तो बहुत कम होता है हालांकि लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं एक लीटर ले लेते हैं तो उसमें हमारा जो है कुछकाएँ कितना दिखेंगे पाँच से छः हज़ार के करीब जो है कुछकाएँ दिखेंगे यानी कि ये जो है प्रति लीटर एक लीटर की अगर बात किया जाए तो हमारा जो है पाँच से छः छः हज़ार के बीच जो हमारा जो है इसमें जो है कुछ होती हैं है ना तो आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं तो हमें लग रहा है कि वीडियो से कुछ तो लाभ ज़रूर मिल रहा होगा तो आप लोग जो है कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं कि अगला वीडियो जो है क्या आना चाहिए क्योंकि आप ही लोग के मतलब जो है सजेशन पे हम जो है काम करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पे बनाएं जो कि अलग वे में बनाते ही हैं तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा जो है इसका संरचना जो हमारा है संरचना के मतलब बनावट बना हुआ मतलब कैसा है ना तो इसका जो संरचना होता है द्वि अवतल हमारा बोला जाता है ना यानी कि ये जो है द्वि अवतल अवतल तो आप जानते ही होंगे अवतल दर्पण समझ लीजिए ऐसे है ये है और द्वि अवतल कहने का मतलब है जो इसमें भी हमारा जो है एक दर्पण और जो है इस तरह से लगा हुआ है ना तब जो है ना द्वि अवतल दर्पण होगा तो ये हमारा जो है इसका जो संरचना जो है इसी तरह से हमारा जो है बना हुआ होता है तब जा करके के हम लोग जो है कहते हैं कि नहीं आर बी सी और डब्ल्यू बी सी है ना तो ये जो है अवतल लेंस या अवतल जो है मतलब जो है दर्पण जो समझिए उसके तरह जो है इसका जो है निर्माण होता है हालांकि ये लेंस है है ना आप जानते ही होंगे हमारा जो है ये सब टॉपिक जो हमारा जो है हो जाएगा किसका फिजिक्स का हालांकि यहाँ पे बायोलॉजी है तो ये जो है द्वि अवतल होता है इसका संरचना लेकिन इसका संरचना जो है अनियमित मतलब कोई मतलब जो है संरचना का मतलब निश्चित आकार नहीं है यानी कि इसका आकार जो है द्वि अवतल होता है और इसका आकार अनियमित होता है ना तो अनियमित के बात करेंगे तो डब्ल्यू बी सी के बात करेंगे तो डब्ल्यू बी सी कम जीवन काल के बात करेंगे डब्ल्यू बी सी यानी कि सब जो है भाई कम के अगर बात आए तो इसी का गम है ना तो चलिए ये जो है अनियमित होता है ये जो है द्वि अब मतलब जो है जैसा होता है ए, इ, इसे जो है इरेप्रोसाइट्स मतलब जो है बोला जाता है है ना एरिप्रोसाइट्स भी इसको बोलते हैं तो इसका जो है नाम जो है एरेप्रोसाइट्स बोला जाता है और ये जो है लिकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है ना ये हमारा नाम है इसको नहीं भी मतलब जो है याद कीजिए कोई बड़ा बात नहीं लेकिन फिर भी जो है इसको याद रखेगा एरेप्रोसाइट्स और लिकोसाइट्स जो है हमारा डब्ल्यू को बोला जाता है ना तो ए भी अंतर हुआ इनमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है यानी कि डब्ल्यू को अगर झकझोर के देखिएगा तो वो जो कोशिका है उसका केंद्रक नहीं होगा है ना लेकिन डब्ल्यू बी सी को झकझोरिएगा ना तो उसके अंदर जो है केंद्रक जो है देखने को मिल जाएगा है ना तो केंद्रक के अंदर जानते ही होंगे हमारा जो है क्रोमोसोम वगैरह बहुत सारा चीज़ जो है देखने को मिल जाएंगे है ना तो इसमें जो है क्रोमोसोम का निर्माण होता है यानी कि सबसे बड़ा काम जो है डब्ल्यू का है ना तो ए हमारा जो इसमें जो है केंद्रक होता है यानी कि न्यूक्लियस बोला जाता है इंग्लिश में और इसमें जो हमारा जो है केंद्रक नहीं होता है तो लाल खून में केंद्रक होता है नहीं ना नहीं होता है ना याद रखिएगा कि ए जो है इसमें केंद्रक नहीं होता है उसमें होता है चलिए ये जो है हीमोग्लोबिन मतलब जो है एक मतलब जो है पाया जाता है जिसके कारण ही हमारा जो है खून का मतलब इसका रंग जो है लाल होता है ना तो इसमें जो है हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है लेकिन इसमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है इसीलिए जो है ससुरा कोई रंग के नहीं है ना तो ये जो है हमारा यहाँ हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता लेकिन इसमें केंद्रक होता है इसमें नहीं होता है ना ये उल्टा है ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल और अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो आर का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल है हमारा है ना रेड ब्लड सेल हमारा जो है आर का फुल फॉर्म और डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल है ना वाइट ब्लड सेल तो लिख सकते हैं कि आर का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल है डब्ल्यू का फुल फॉर्म जो है वाइट ब्लड सेल होगा है ना फिर उसके बाद जो है हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और हमारा जो है टॉप टेन था तो टॉप टेन बता दे रहे हैं ये हमारा जो है ना मानव शरीर अगर लिया जाए तो मानव पूरा रक्त मतलब जो है शरीर में होगा जितना भी खून होगा पूरा खून के जो है ना 36 से 50 परसेंट के बीच जो है माना जाता है ना कितना माना जाता है छत्तीस से परसेंट चालीस से पचास याद रखिएगा है ना चालीस से पचास भी हालांकि कितने को छत्तीस हो जाता है होता है ना कि किसी में खून खून का मतलब जो है थोड़ा मतलब जो है ज़्यादा कंजूस रहेगा खाने में है ना तो खाने में ज़्यादा कंजूस रहेगा तो छत्तीस परसेंट तक चला जाएगा तो आर बी सी जो शरीर में होता है वो हमारा जो है छत्तीस परसेंट के मुकाबला में होता है और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मानव में भी हमारा जो है जो ए, जो मेल किस्म के आदमी होते हैं उनके शरीर में पूरा शरीर में साढ़े पाँच लीटर जो है खून होता है ना साढ़े पाँच लीटर लेकिन औरत में जो है आधा लीटर जो है कम खून होता है ना यानी कि पाँच लीटर औरत में होता है औरत में पाँच लीटर और हमारा जो है मर्द में कितना होता है साढ़े पाँच है ना तो ए समझ लीजिए कि ए जो है छत्तीस से पचास परसेंट कवर करता है पूरा मतलब खून का और ए मात्र जो है एक परसेंट हिस्सा ही है ये हमारा हाल हो गया शुद्ध जल वाला है ना शुद्ध जल वाला हाल हो गया कि भाई समुद्र में जो है खारा जल अगर देखे तो हमारा जो है 96 98 के करीब होता है ना लेकिन दो परसेंट तीन परसेंट हमारा जो है शुद्ध जल है ना तो शुद्ध जल शुद्ध जल ही ज़्यादा काम का होता है तो डब्ल्यू हमारा जो है ऐसे बात करें तो ये जो है ज़्यादा काम का है क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाने का काम इसी का है है ना यानी कि डब्ल्यू जिसका मजबूत रहेगा ना तो जल्दी जो है कोई रोग नहीं होगा है ना उसी तरह से तो आप लोग के आशीर्वाद से हमारे अंदर भी डब्ल्यू ज्यादा है इसके कारण जो है कोरोना हुआ था मात्र एक दिन के बाद जो है गायब हो गया था है ना थैंक यू सो मच आप लोग का आशीर्वाद जो है बहुत बड़ा काम करता है तो चलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग को जो है वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर रियलिटी में जो है कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप ही लोग के मोटिवेशन से हम चलते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा या अपना जो है सजेशन ज़रूर दे सकते हैं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाह रहे हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कंजूसी मत कीजिए तो थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत